आश्रम में देखो जी, बिन बाप के घर सुनना होता है, और अगर संगत उन्हें बाप कहती है या आम जनता उनके लेसन्स को अच्छा समझती है, उन पे इफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से वहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ, अगर 100 में से 50% तो फ़र्क आया होगा। पब्लिक ने मीडिया के द्वारा जाना है, पब्लिक को एक्चुअल नहीं पता क्या था। मेरा कहना यही है कि पब्लिक को एक्चुअल नहीं पता था क्या है। अगर उन्हें पता होता भी ये करके ऐसे ऐसे एलिगेशन फेक हैं, तो मेरे ख्याल से पब्लिक भी समझ जाएगी क्या अपनी वीडियो के द्वारा। भी दिमाग है, अभी वो समझ सकते हैं कि यार देखो, एक संत, देखो मैं एज ए लॉयर भी बता दूं, एक वो चिट्ठी थी, उसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जानने के लिए हम लगातार पब्लिक में सर्वे कर रहे हैं और उनसे सवाल करते हैं कि उनका क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में और सोसाइटी के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मनी अरोड़ा। क्या क्वालिफिकेशन है सर? लॉ कर रहा हूँ, लॉ स्टूडेंट। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? 2013 से। हाँ, क्या मानना है सर आश्रम के बारे में आपका? ठीक है, गुरुजी जो भी कर रहे थे अच्छे काम कर रहे थे, और उनके फॉलोवर्स आज भी जो कर रहे हैं गुरुजी के कहने पे सही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई दूसरा अब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। ठीक है जी, बाकी अब भी कर रहे हैं उनके फॉलोवर्स, उनके सेवादार जो भी लगे हुए हैं, चाहे वो सफाई अभियान है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत बीमारियां फैल रही थी, NCR एरिया है, देश की राजधानी है, बहुत बीमारियां थी, और आज देखा जाए तो 2 से 3 सफाई वहां हुई है, 2 से 3 बार, तो बहुत सी बीमारियां कंट्रोल में भी आई हैं। ठीक है, जिनका ग्रेड वैल्यू 10 out of 9 था, वो 4 तक भी चला गया था, आज वहाँ नहीं सफाई हो पा रही, लोग नहीं कर रहे वहाँ की सफाई, आम लोग भी नहीं कर रहे। ये तो एक एग्जांपल है सफाई का, और भी बहुत काम है जो मतलब गुरुजी ने किए और उनके फॉलोवर्स आज भी कर रहे हैं। और क्या कंट्रीब्यूशन है सर सोसाइटी? कंट्रीब्यूशन बहुत हैं। देखो, जैसे पहले अगर हम शराब की तरफ जाएं, तो पहले जब गुरुजी थे, उन्होंने मतलब एज ए पॉलिटिक्स में थोड़ा बोला कि शराब भी कम करो, बहुत कम से लो, ना से लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बहुत कम हो गई थी, लगा मानो कि एक शहर में, शहर के अंदर ठेका शराब का नहीं था, वो शहर आउट ऑफ टाउन था। अब एक एक शहर में 5-5, 6-6, इनसे मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेरा मानना यह है गुरुजी को बाहर आके ये चीज़ करनी चाहिए, भी कम हो जाए। और क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है सर जब से वो सोसाइटी में नहीं है? इम्पैक्ट आ ही रहे हैं जी। देखो, महामारी इतनी बड़ी फैली, अगर गुरुजी बाहर होते तो COVID-19 में ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 90% मतलब उनके फॉलोवर्स जनता में जाके संभालते। अब भी संभाला है, लोगों को सैनिटाइज किया है, लोगों को खाना दिया है। ठीक है, उनके फॉलोवर्स ने भी दिया है, पर उनके साथ साथ आम जनता भी उनका साथ देती है। अगर वो कुछ कहने को मतलब स्टेज से कुछ कहते हैं, TV प्रोग्राम्स, YouTube कहीं भी लोग देखते हैं, तो मतलब लोग उनकी बात आम जनता भी मानती है। अब गुरु कुछ ना कहे, जनता उनके फॉलोवर्स तो मान रहे हैं, जनता पे इम्पैक्ट नहीं जाता है। आम जनता के लिए सर किया क्या है गुरुजी ने? हर काम ही जनता के लिए किया है, जिससे समाज का भला हो, देश से बुराइयां निकलें, देश गुरु देश बने। जैसे मैं भी 1900 या 1901 19वीं शताब्दी में जो था, 21वीं चल रही है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, बुराइयां बहुत बढ़ रही हैं, गुरुजी थे बहुत कम हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। हमारे देश को गुरु यूथ देश को बना? यूथ को भी बहुत आगे बढ़ाया गुरुजी ने। लाइक लगाओ कि पहले यूथ होता था, जहाँ काम मिल गया कर लो। ठीक है, उनको थोड़ा उजागर किया, अभी आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा समाज से अपनी अलग दूरी बना के, अपना प्लस पॉइंट दिखा के, थोड़ा खास होना चाहिए आम बंदों में। मतलब बोले तो भी एक यूथ था ना, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुका था, अब बहुत ऊपर उठ गया था जब गुरुजी बाहर थे। अब फिर शायद वही हाल हो रहे हैं, प्रेरणा देने वाला कोई बैठा नहीं है, वो मतलब कुछ
प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं उनके लिए कुछ लेसन्स जो पहले सत्संग वगैरह में वो देते थे। सर हम बहुत ही एक पेनफुल जो चीज़ आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, खासकर मतलब ऐसा क्यों हो जैसे रहा है? हाथरस में हुआ था। यस। देखो गुरुजी बाहर थे मेरे ख्याल से 2012 में, वो जो दिल्ली में हुआ था भी एक लड़की के साथ, जो भी एक्स वाई जेड हुआ था, निर्भया कांड, तो गुरुजी ने मेरे ख्याल 2013 से, मैं जानता हूँ 12 में उनके साथ हुआ था, तो तब से लेकर अब तक मैंने नहीं सुना था कि ऐसा कुछ हो रहा है लड़कियों के साथ। अब देखा जाए तो 2 साल से मैं लगातार ये सुन रहा हूँ, कभी 8 ने ये वो, मतलब बहुत कुछ हुआ है, मतलब नहीं बोल पा रहा पब्लिक में ऐसा कुछ मैं, तो बहुत कुछ होगा गुरुजी के जाने के बाद लड़कियों के साथ, मतलब ऐसा सर क्यों हो रहा है, मतलब क्यों ऐसी सोच? लेसन देने वाला वही बात, अगर मेरे पापा जी मुझे नहीं सिखाएंगे मैंने क्या करना है तो मैं तो बुरा बनूंगा। उनके गुरु उनको लेसन देते थे, उसी हिसाब से वो ढलते थे, जनता को अच्छा लगता था, जनता भी फॉलो करती थी, फॉलोवर्स ने तो करना ही है बिकॉज उनके गुरु ने बोला, ठीक है, जनता भी उनकी बात मानती थी बिकॉज वो अच्छा लेसन देते थे। और आज अच्छा लेसन देने वाले हैं तो सही, मतलब उनका अच्छा लेसन वायरल नहीं हो पा रहा। उनकी चिट्ठियाँ भी आई हैं, मेरे ख्याल से 2 चिट्ठियाँ आई हैं मैंने सुना है, तो उसमें भी उन्होंने कुछ कहा भी संगत अच्छी है, ख्याल रखें, ठीक है, COVID-19 में मतलब अपना परहेज रखें, मतलब एक छोटा लेसन आया है। कहीं वो डेली स्टेज पे आते थे, शायद मंजलिस कहते थे, वो डेली स्टेज पर आते थे और डेली कुछ अच्छा लेसन बोलते थे, उससे बहुत फर्क पड़ता है अगर डेली लेसन एक बच्चे को मिलता रहे, उस हिसाब से बच्चे को ढलना होगा। नीड है सर आज सोसाइटी को? बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा है, बिकॉज देश देखो किसी भी लेसन किसी भी टॉपिक पे ले लो कि अगर वो थे तो हम यहाँ थे, वो नहीं है तो हम उससे भी नीचे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नीड है सोसाइटी को। सर हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए उनका क्या योगदान है? योगदान बहुत अच्छा है उनका, बहुत योगदान है, जैसे बुराइयों से सबको दूर करना, अगर कोई बुराई पूरा काम उल्टी सोच उल्टा काम कोई नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छे रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो शायद उनके लेसन सुनेंगे, लेसन सुन लिए तो गुरु देश बिल्कुल नॉर्मल सी बात है हो जाएगा। और सर हमने एक दिखाया जाता है कि उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनकी रियलिटी क्या है सर? रियलिटी ये है कि वो तो करते हैं समाज के लिए अच्छे काम, लगाओ कि उन्होंने ब्लड डोनेशन का कैंप खोला, उनके फॉलोअर्स आए, लाखों यूनिट ब्लड डोनेट हुआ, फॉलोअर्स तो गए थाउजेंड्स, आम जनता भी फॉलो करती थी, ठीक है, तो लाखों यूनिट ब्लड डोनेट हुआ, उनका काम है ब्लड डोनेट करना करवाना, हालांकि उनके खुद के सगे बेटे बेटियां दामाद माताजी वाइफ सब करते हैं, ठीक है, और जनता भी करती है, रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं, उनका मोटिव नहीं है मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बनाना। और सर जो बेटियों के लिए है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट की बात आती है, उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन है सर उनका? देखो बार बार कंट्रीब्यूशन कह रहे हो, कंट्रीब्यूशन उनका है हर चीज़ में है, क्योंकि उनके खुद के मतलब रिटर्न में भी ऐसे वर्क्स पड़े हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स हैं जो मतलब उनके फॉलोवर्स के साथ साथ आम जनता भी कर रही है, और योगदान तो आप देखो अगर उनके वर्क्स हैं लाइन टू लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं, तो बिल्कुल योगदान है उनका हर चीज़ में। सर एक तरफ सोसाइटी की नीड है, सोसाइटी को नीड है उनके, दूसरी तरफ इतने एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपका पर्सनल प्रोस्पेक्ट क्या है उनके लिए? देखो जी कोई एक बंदा है अगर वो पब्लिसिटी पब्लिकली वायरल हो रहा है, ठीक है, देखो एक संत नहीं एक बंदा ही मान लो, एक बंदा पब्लिकली वायरल हो रहा है और उस बंदे को नीचे गिरने के लिए भी बहुत लोग उठते हैं, एक नॉर्मल सी बात लगाओ, एक फैमिली का कोई बंदा IPS IAS बन जाता है, उसकी 20 साल की कमाई है, अपनी स्टडी की अपने हार्डवर्क की कमाई है, उसके कुछ रिश्तेदार उससे जलते हैं, खुद के सगे रिश्तेदार भी जलते हैं, वैसे ही गुरुजी संगत के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, उनकी जो लगा लो कि देश में जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए करते हैं, वो रिकॉर्ड बन जाते हैं, और रिकॉर्ड के बाद उनको थोड़ा पब्लिकली भी उठा देते हैं लोग, जैसे संगत या सेवादार उनके या फिर आम जनता, पब्लिकली वो उनमें वायरल हो गए, और वायरल होने के बाद कोई ना कोई उन्हें गिरने की कोशिश जरूर करता है। अब जैसे नशे पे लगा लो, उनके कहने पे लाखों लोग नशा छोड़ जाते हैं, नशा छोड़ दिया, जिनका लॉस हुआ वो बंदे तो बोलेंगे
उन्होंने तो मारने मराने तक भी किया था, नहीं पॉसिबल हो पाया। बीच में इनके गुरुजी के ऊपर मेरे ख्याल से 100 RDX के बॉम्ब भी लगे थे गाड़ी पे, शायद वो 16 या 14 की बात है, 2014 की बात है शायद वो। तो क्या हुआ, मतलब उन्होंने मारने की सोची, नहीं हुआ कुछ, तो बस फिर अब उन पे झूठे एलिगेशन लगा के उनको कन्फाइन करवा दिया। सर एक्चुअली में फिर वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है आश्रम में? आश्रम में देखो जी, बिन बाप के घर सुनना होता है, और अगर संगत उन्हें बाप कहती है या आम जनता उनके लेसन्स को अच्छा समझती है, उन पे इफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से वहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ, अगर 100 में से 50% तो फ़र्क आया होगा। अगर वो सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको लगता है? चेंजेस जब वो थे तो जो चेंजेस आए हुए थे उससे ज़्यादा ही आएंगे। क्या अपील करोगे सर गवर्नमेंट से? आप गवर्नमेंट से अपील यही है कि देखो, अगर कोई अच्छा बंदा है, कोई उन पे झूठे एलिगेशंस लगा के उनको कन्फाइन या करवा रहा है, तो मतलब बाहर उनको भेज देना चाहिए। सर पब्लिक को क्या अवेयर करोगे, क्योंकि पब्लिक ने जितना भी जाना है वो मीडिया के द्वारा? देखो पब्लिक ने मीडिया के द्वारा जाना है, पब्लिक को एक्चुअल नहीं पता क्या था। मेरा कहना यही है कि पब्लिक को एक्चुअल नहीं पता था क्या है। अगर उन्हें पता होता भी ये करके ऐसे ऐसे एलिगेशन फेक हैं, तो मेरे ख्याल से पब्लिक भी समझ जाएगी। क्या अपनी वीडियो के द्वारा भी दिमाग है, अभी वो समझ सकते हैं कि यार देखो एक संत, देखो मैं एज ए लॉयर भी बता दूं, एक वो चिट्ठी थी उसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हम आपको सीधे फैक्ट के पास लेकर चल रहे हैं, सीधी बातें आपको दिखा रहे हैं कि आम जनता का भी यही मानना है कि समाज को जो अच्छी डायरेक्शन दी है वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा ने दी है, और आज लोगों को वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है। पिछले 3-4 सालों के ड्यूरेशन में अगर हम बात करें, बहुत ऐसे केसेस सामने आए हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नशे बढ़ते जा रहे हैं, जो शराब के ठेके बढ़ते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। आज आम जनता भी मांग कर रही है, लगातार लोग भी आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि आज सोसाइटी को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा की सख्त ज़रूरत है, और एलिगेशंस के बारे में लोगों का मानना है वो झूठे एलिगेशंस हैं। फिर आखिर सच क्या है? एक गुमनाम पत्र, जब वो लोग जो आपके सामने लगातार फैक्ट बता रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।